लगा था आज वो दिन आ चुका है राजा, क्योंकि सत्य का दिया हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। आज वो तक्षक नाग आएगा, आकर के तुमको अवश्य दसेगा आपकी मृत्यु हो जाएगी। इससे पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बाल भोग करें, जलपान करें, आराम करें, विश्राम करें। राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े, बोले गुरु जी आज मुझे इस कथा को सुनते साथ में रोज होने जा रहा है, मुझे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है, आराम विराम विश्राम का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, जहां जहां प्रश्न मेरी मृत्यु का है तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन आप इस प्रेम से मुझे कथा का पाठ कराओ। धन्य है वो राजा परीक्षित, आजकल तो तीन चार घंटे बैठने में भी परेशानी हो जाती है, लेकिन राजा परीक्षित ने सात दिन और सात रात एक ही आसन पर बैठ करके सात दिन की कथा सुनी थी। एक मिनट के लिए कोई स्टॉप नहीं, चलपान नहीं, भोजन नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए तो कल्याण हुआ था, मोक्ष मिला था परीक्षित। आइए कल के सत्र में आप लोगों ने सुना परमात्मा गोविंद संपूर्ण ब्रजवासियों को आश्वासन देकर के विश्वास दिलाकर के अक्रूर जी के साथ मथुरा नगरिया को चले गए। उसी कथा प्रसंग पर चलने से पहले हम और आप अपनी मन बुद्धि वाणी को पवित्र बनाएंगे, दो मिनट परमात्मा गोविंद के चरणों का चिंतन करेंगे, सभी अपने प्रेम मीठे मीठे सुर में ताली बजाएंगे, अपनी वाणी से प्रभु का नाम गुणगान करेंगे। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा Oh,
गरीब हो मेरे कोई ना हमारा, मेरे बस गरीब हो मेरे कोई ना हमारा। मेरी याद सताएगी कब तक तड़पाएगी, मेरी याद सताएगी कब तक तड़पाएगी। मेरे आंसू पहुँच कर संपूर्ण ब्रजवासियों को आश्रय देकर के गए थे, मैं आज जा रहा हूं, परसों को लौटकर आ जाऊंगा। केवल एक विश्वास ऐसी वस्तु है जो किसी पर की जा सकती है। विश्वास अब धोखा देने वाला मुख से कहता है मैं जरूर आऊंगा,
उसके अंदर कुछ बसा हुआ है तो उसकी कोई पहचान नहीं कर सकता। केवल विश्वास कर सकता है। हाँ, हमसे उसने वादा किया है, निभाएगा, जरूर आएगा। श्याम आएंगे, इसी भरोसे संपूर्ण ब्रजवासी। जब तक श्याम नहीं आएगा, हम जलपान नहीं करेंगे, बाल भोग नहीं लगाएंगे। गौ माता ने रोना प्रारंभ कर दिया, बछड़े रोते हैं, गौ माता रोती है। जिस दिन से कन्हैया गया है वृंदावन को छोड़ करके, मैया यशोदा के नेत्रों की रोशनी चली गई, आंगन में बैठी बैठी रोती रहती है। इधर में अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया, मेरे परमात्मा ने अपने चतुर्भुज रूप झांकी का दर्शन जल में कराया, क्योंकि भयम हो रहा था अक्रूर को, कहीं ऐसा तो नहीं मैं राजकुमारों को लेके जा रहा हूँ, कंस इनका वध कर देगा, इनका दोष मेरे ऊपर न आ जाए। भक्त हैं अक्रूर जी मेरे परमात्मा को लेकर के। अक्रूर जी मथुरा नगरिया में प्रवेश कर जाते हैं तो अक्रूर जी से कहा, काका जी आप हमको यहीं उतार दें रथ से नीचे, हम पैदल यात्रा करेंगे, देखेंगे मामा जी की नगरी को घूम फिर के, कितनी सुंदर है मथुरा नगरी। दोनों भाई कृष्ण बलराम संपूर्ण मथुरा नगरिया में भ्रमण करते हैं। जिस रूप का भक्त मिला मेरे प्रभु ने सबका कल्याण किया, धोबी का कल्याण किया, दर्जी का कल्याण किया। एक तीन जगह से टेढ़ी स्त्री जिसका रंग रूप बिल्कुल काला था, हाथ में चंदन लिए जा रही थी, मेरे श्याम सुंदर ने पीछे से आवाज लगाई, हे सुंदरी। जो सुंदरी शब्द सुना, पीछे मुड़ करके देखा, ये सुंदरी मेरे लिए किसी ने कहा? कन्हैया ने कहा, मैंने बोला है देवी। उसका मयूर रूपी मन हिलोरे लगने लगा, मुझे सुंदरी बोल दिया कन्हैया ने। लेकिन श्याम मेरा तो कुरूप है, रंग रूप सुंदर नहीं है। बोले, कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? तुम्हारे हाथ में ये चंदन कहां को ले जा रही हो? बोली, मेरे राजा कंस की कचहरी में सबके मस्तक पर तिलक लगाने का, चंदन लगाने का काम करती हूँ। बोले, देवी हमारे भी मस्तक पर चंदन लगाओ ना। बोले, यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल जरूर, इतना प्रेम से, इतने भाव से चंदन लगाने लगी, और जो मेरे गोविंद के मस्तक पर उसने चंदन लगाया, मेरे प्रभु ने उसकी कमरिया पर ऐसे करके हाथ घुमा दिया, और जो मेरे गोविंद ने हाथ घुमाया, जो तीन जगह से कमर टूटी थी ना, एकदम फिट हो गई, और जो काली काली थी ना, बिल्कुल गोरी हो गई। बोलिए, गोविंद भगवान, मेरे प्रभु की दया दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो सुंदर बन जाता है, कुरूप नहीं रहता है वो। लेकिन कन्हैया की दृष्टि पड़नी चाहिए। एक हजार बार बोला है गीता में कृष्ण ने, हे अर्जुन, स्वच्छंद गति ईश्वर में ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, जो मेरे सामने आएगा मैं उसका कल्याण कर दूंगा, और जो मेरे पीछे है भैया तेरी मर्जी कुछ भी कर, सामने आना बहुत जरूरी है, जो सामने आएगा उसका कल्याण कर दूंगा। कन्हैया ने कुब्जा को बहुत सुंदर रूप दे दिया। जहां भी गोपाल जाते हैं मथुरा नगरिया की, सभी
स्त्रियां अपनी अटारियों पर खड़ी होकर के दोनों भाइयों के स्वरूप को देखती हैं। बड़ा अद्भुत रूप है दोनों श्याम बलराम का, जो एक बार देख लेता चकोर बन जाता है, नजर टिकी रहती है। कितनी सुंदर युवन जोड़ी है दोनों भाइयों की। अटारियों से पुष्पों की वर्षा करती है, फूलों की वर्षा करती है। पापी कंस ने चारों तरफ बड़े बड़े विशाल राक्षसों को लगा रखा है, आदेश दिया है कुबलिया पीठ हाथी को मदरा का पान करा दो। जैसे ही कृष्ण बलराम महलों में प्रवेश करे, कालिया कुबलिया पीठ हाथी को छोड़ देना, वो कुचलतेगा खा जाएगा मार करके। मदरा का पान करा दिया और जैसे ही मेरे गोविंद सामने आए तो उस हाथी ने मारा नहीं मेरे प्रभु को, उनके लिए अपना सर झुका करके प्रणाम कर दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान। जाकर के नौकरों ने सूचना दी कंस को, महाराज हाथी मदरा पान कराया था, अपने आप में बड़ा मस्त हो रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण बलदेव को देखा नतमस्तक हो गया। अच्छा, अब तो और कंस घबराने लगा। हाथी की उनसे क्या दोस्ती है, क्या मित्रता है, क्या रिश्तेदारी है। आगे को बढ़ गए, यज्ञशाला में एक धनुष रखा था। जानते हो कौन सा धनुष परीक्षित जी, कौन सा धनुष रखा था यज्ञशाला में? वही धनुष जो भगवान शंकर ने महाराज कंस को दिया था। ये वरदान दिया था कि इस धनुष को संसार में कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुझको छोड़। वही धनुष रखा था। बड़े बड़े विशाल राक्षस खड़े हैं पहरे पर, हाथों में तलवार लिए फरसा लिए। कन्हैया ने कहा, मामा जी हमने सुना है मामा के यहाँ यज्ञशाला है, बताओ हम देखने को आए, दिखाओ ना वो कहाँ है धनुष यज्ञशाला का। राक्षसों ने कहा, अरे बच्चे चला जा, क्यों हमारे हाथों से तेरी मृत्यु आ गई है, हम तुझे मार डालेंगे, कंस महाराज का आदेश है। बोले कोई बात नहीं, श्रीमान जी मार दोगे तो मर जाएंगे, बात खत्म हुई। लेकिन जब यज्ञ में आए तो धनुष तो दिखाना ही होगा, और मेरे मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मुस्कान में तो संसार फंस जाता है। एक बार जो मुस्कुराई मुरली मनोहर, नौकरों ने अंदर जाने दिया। जाकर के कन्हैया ने कहा बलराम से, भैया वही धनुष है जो भगवान शंकर ने दिया था, और मेरे गोविंद ने उस धनुष को उठाया, धड़ाम से उसको तोड़ दिया। छो धनुष टूटा, इतनी जोर की आवाज हुई, आसमान में सन्नाटा छा गया। कंस महलों के अंदर बैठा हुआ था, एकदम से धड़ की आवाज को सुनकर के कांपने लगा। क्या हुआ? नौकरों ने जाकर के कहा है, महाराज आपका वो धनुष छोटे से बच्चे कृष्ण ने तोड़ दिया, अब तो कंस और थर थर कांपने लगा। हो सकता है ये तो बड़ा बलवान है, देखने में बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा बलशाली है। आदेश दे दिया, जाओ रंगशाला में जहाँ मलयुद्ध है, मुष्टि चाणु जैसे बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं, सबसे जाकर के कहो मैं आने वाला हूँ, रंगभूमि सजाई जाए। बड़े बड़े ऊंचे मंचालों पर बैठे हुए हैं सरदार, ब्रज मंडल के गोपी ग्वाला भी गए थे, बाबा नंद भी गए थे, वसुदेव भी उस सभा के अंदर ही। सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है भोजराज कंस। आदेश दिया, श्याम बलराम को बुलाया जाए। श्याम बलराम बाहर खड़े थे और कहने लगे, कन्हैया मामा जी मैं तो इसीलिए आया हूँ, आप काहे को चिंता कर रहे हो, मैं तो आया इसीलिए हूँ, मेरे गोविंद रंग भूमि में वास कर गए।
जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया है मेरे गोपाल ने, कंस सिंहासन पर बैठा हुआ कहने लगा, जो ये दो बच्चे आ रहे हैं इन दोनों को हमारी रंगभूमि में लड़ना पड़ेगा। काहे को लड़ना पड़ेगा महाराज, तो बच्चे ही रंगभूमि देखने को आए हैं, युद्ध देखने। बोले नहीं, इन दोनों को मुष्टिकौर चाणूर से लड़ना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, मामा जी मैं तो इनसे लड़ने को आया हूँ, काहे को बार बार दोहरा रहे हैं। और मेरे गोविंद ने जो कछौटी मार करके छलांग लगाई, गोपाल और बलराम दोनों मैदान में उतर गए। जो मैदान में उतरे हैं मुष्टिक से लड़े हैं मेरे शेष अवतार बलराम, चाणू से लड़े हैं मेरे गोपाल। मुष्टिक बड़ा ही बलवान था, अगर एक मुष्टिक जिसमें मारते वो जीवित नहीं बचता था, बड़ा बलवान था। इधर कन्हैया बलराम से मुष्टिक चाणू का युद्ध हो रहा है। जितनी भी सभा बैठी हुई है कंस के दरबार में, सभी की आंसुओं से आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे पापी कंस, इन छोटे छोटे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू इन्हें मरवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने एक बड़ा सुंदर भाव डाल दिया। कन्हैया बलराम जब मुष्टिक चाणूर से युद्ध कर रहे हैं, तो मेरे गोविंद ने सब की नजरों को बदल दिया। जाकी रही जिसकी जैसी भावना है। जवान गोपियों को कन्हैया अपने पति के रूप में दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे ग्वालों को कन्हैया अपने सखा के रूप में दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग गोपियों को कन्हैया अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। मुष्टिक चाणूर और महाबली कंस को वही गोपाल मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहा है। खेल ही खेल में हंसते हंसते मेरे गोपाल ने सबका कल्याण कर दिया। जो मुष्टिक चाणूर का वध हुआ है, गोपाल जाने लगे। मामा कंस ने जब देखा इतने बलवानों को उसने मार दिया, सिंहासन को भागने लगा छोड़ करके, बचाओ अब मुझे छोड़ेगा नहीं, ये कृष्ण मार डालेगा। डरने लगा, घबराने लगा, और जैसे इसने भागने की कोशिश की, मेरे कन्हैया ने इसके सर के केशों को पकड़ कर खींच लिया। इधर आ जाओ मामा, जाते कहाँ,
अरे आपने तो मुझे अब्दुल काका जी के हाथों बुलाया है, आपकी खातिर तो मैं यहाँ आया, आप ही मुझे छोड़ के जा रहे हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो पंच सभा के बीच में थर 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 कांप रहा है, लेकिन बात नहीं कर सकता, शक्ति छीन होती चली जा रही है। स्वयं ही तुक कन्हैया काल के रूप में दिखाई दे रहा है, जो मेरे केशव ने आज कंस के केशों को पकड़ करके खींचा, अब कंस चीखने लगा, छोड़ो हे कन्हैया छोड़ो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे छोड़ो, मानो मत। कन्हैया ने कहा, मामा बताओ कितना दर्द हो रहा है। बोले कन्हैया बता नहीं सकता, इतनी वेदना मुझे हो रही है, मैं तुम्हें बताऊं बता नहीं पाऊंगा, बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, जिस दिन मेरी मैया देवकी के केश को पकड़ के तुमने रथ से नीचे उतारा था, तो बता मेरी माँ के भी तो बहुत बड़ा दर्द हुआ होगा। मेरे गोपाल ने केशों को पकड़ करके कंस को तीन बार आसमान की ओर घुमाया, धड़ाम से कंस के सीने से ज्योति निकलकर सातवार आसमान में गई। उसके बाद मेरे परमात्मा गोविंद के सीधे तैर के अंगूठे में समा गए। एक बात और बता दें आपको, इसको कहते हैं सांची मुक्ति। ये मुक्ति हर किसी को नहीं मिल पाती है, शिशुपाल को मिली, कंस को मिली। सांची मुक्ति का पाना असंभव होता है, लेकिन जो घनिष्ठ प्रेमी होता है प्रभु का, जो अद्भुत भक्त होता है मेरे गोपाल का, उसी को सांची मुक्ति मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कंस तो दुश्मन था, बोले नहीं, कंस दुश्मन नहीं था, कंस के समान तो भक्त संसार में मेरे गोपाल का दूसरा था। एक बार को आप लोग किसी से मित्रता तुम्हारी हो जाए, तुम्हारे मित्र साल दो साल के लिए कहीं बाहर चले जाएं, उसके बाद में आकर के मिले, जवाब दे महाराज हम सिरूरी में आकर के खड़े हो गए, तुम हमसे आओ मिलो। तुम्हारे मन में विचार आएगा, भाई जी कोई बात नहीं, थोड़ी देर ठहर जाओ, देखेंगे टाइम नहीं है, फिर आना। मित्र को आप टाल सकते हैं, और यदि आपका कोई शत्रु हो तो खूंखार शत्रु, अगर चिल्लिया ना मेरा शत्रु वहां खड़ा है, तुरंत बंदूक में गोली डाल करके भागा चला जाएगा, मारना है अभी। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन शत्रु भगवान को कभी नहीं भूलता। कंस दिन और रात कृष्ण के वियोग में पागल था, दीवाना हो गया था, कैसा होगा कृष्ण, न जाने वो कब मुझे मार डालेगा, हे प्रभु उस कृष्ण से मुझे बचाना, दिन और रात याद करता था। उसकी यही वेदना उसके लिए वरदान बन गई। परमात्मा का नाम लो, गाली देकर लो, या प्यार से मुस्कुरा करके लो, लेकिन प्रभु का नाम लो। कंस सोते जागते उठते बैठते डोलते फिरते खाते पीते हर समय कंस कृष्ण का नाम लेता था, वही मेरे प्रभु को उसकी भक्ति। मरा मरा सब कहे सब जग जाना, बाल बीक भाई ब्रह्म समाना। प्रभु का नाम लो, उल्टा लो सीधा लो, दुश्मनी में लो प्रेम में लो कैसे भी लो, नाम लेना चाहिए गोपाल का। मेरे गोपाल का जिसने भी नाम लिया है, मेरे प्रभु ने उसका कल्याण किया है। कंस को सायुज मुक्ति दी, जाकर के अपने मैया बाबुल से मिले हैं, देव दिवस देव नाना कुशन को गद्दी पर बिठाया, सभी के कष्टों को दूर किया। वसुदेव ने शांतिपन गुरु के आश्रम में कृष्ण बलराम को शिक्षा चलाने के लिए भेज दिया। इधर में 64 दिन मात्र दोनों भाई शांतिपन गुरु के आश्रम में रहे हैं। इन्होंने केवल 64 दिन में संपूर्ण विद्या को सीख लिया। वापस लौट करके जो मथुरा नगरिया में आए, मेरे गोपाल सुबह को
खाना नहीं खाते हैं। शाम का वक्त होता है, अटारी पर खड़े हो जाते हैं, गोविंद वृंदावन की ओर निहारते हैं और कहते हैं, हे परमात्मा अगर मुझे नहीं जाना था परसों तो मैं परसों को क्यों कहते हैं। वृंदावन वासी मेरे प्यार में पागल होंगे, मेरे प्रेम में उदास रहते होंगे, कन्हैया को ये चिंता सताई जा रही है, दिन रात उन्हीं की याद करके रोते रहते हैं। मैया देवकी ने अपने हाथों से भोग बनाया, प्रसाद लेकर के गई, गोपाल माँ की मिश्री खाओ ना, बोले मैंने नहीं खाना माँ। क्यों नहीं खाते हो बेटा, 11 वर्ष 56 दिन की आयु में मेरे गोपाल ने कंस का वध कर दिया था। जिस दिन से गोपाल गए हैं वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावन वासियों ने पैर में चप्पल नहीं पहने, क्योंकि हमारा गोपाल नंगे पैर गया है, हम चप्पल नहीं पहनेंगे। गौ माताओं ने भोजन छोड़ रखा है, यशोदा मैया बैठी आंगन में हमेशा रोती रहती है। शाम के समय जो गोपाल वृंदावन की ओर निहारते हैं, आंखों से आंसुओं के पनारे बहते हैं, जब मुझे परसों तक नहीं जाना था तो मैं परसों से कह करके क्यों आया, भोजन नहीं पा रहे हैं मैया यशोदा, बाबा नंद मेरे बिरह में कैसे जीते हम। जो माँ यशोदा मेरे थोड़ा माखन कम खाने पर रोती थी, बेटा तुझे क्या परेशानी है, तू माखन क्यों नहीं खाता है, वो मैया मेरे बिना कैसे जीती हो। उद्धव जी आ गए, वसुदेव ने कहा, हे उद्धव कन्हैया के पास जाओ, कई रोज हो गए भोजन नहीं करता है कन्हैया, हमने बहुत प्रयास किया, रोता ही रहता है, बताता कुछ नहीं है। उद्धव ने जाकर के कहा, माधव बात क्या है जो आप लोग हमसे भी छुपा रहे हो, भोजन क्यों नहीं खाते हैं आप, तुम्हारी मैया तुम्हारे बबला आपसे बड़े दुखी हैं, माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। कन्हैया ने कहा, उद्धव मेरे समान पापी संसार में दूसरा कोई इंसान हो नहीं सकता, जो गोपिकाएं मेरे एक पल दूध हो जाने से व्याकुल हो जाती थी, जो मैया यशोदा एक पल मेरे दूर जाने से बिलखने लग जाती थी, आज मुझे बरसों हो गई मैं उन्हें छोड़ करके चला आया, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने आज तक लौट करके उनकी शुद्ध नहीं की। कन्हैया अंतर्यामी ही जानते थे, उद्धव ज्ञानी है लेकिन उनको ज्ञान का अवलंब है, अभिमान है ज्ञान का, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे गोपाल दिखाना चाहते हैं, हे उद्धव मैं अभिमानियों के पास कभी नहीं रहता, मैं तो केवल प्रेमियों के पास रहता हूँ। आज उद्धव ने कहा, गोपाल हमारे लायक खुशी में बोले, हाँ चले जाओ आप, चले जाइए वृंदावन में, हमारा संदेश लेकर गए। अरे उद्धव मैया को सुनियो, और तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो उद्धव, मैया को सुनियो।
चलन अचरण पहुँच सुभावे कोई नम दो चल अचरण पहुँच सुभावे कोई नम दो आते चलन अचरण पहुँच सुभावे कोई नम दो चल अचरण पहुँच सुभावे सुनियो मैया को सुनियो मैया सुनियो कर छठ पटा है वन में भूखो
बतावे हाथ जोड़ बिनती सुन लीजो हो हाथ जोड़ बिनती कह दीजो मैया आवे मैया को सुनियो चले जाओ मेरे रोने का केवल एक यही कारण है जिस मैया ने मुझे आंगन में चलना सिखाया मैं यशोदा की उंगली पकड़ करके मैंने आंगन में चलना सीखा जो यशोदा मुझे प्राणों से बढ़कर के प्यार करती थी मैं उसे क्यों छोड़ के चला मुझे उसे यशोदा की बहुत याद आती है ब्रज की गोपिकाएं मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती जो मेरी प्रेमिका थी प्यार करती थी वो मुझे प्राणों से बढ़ करके मैं उन्हें छोड़ करके क्यों चला आया किशोरी राधा रानी ने सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर दिया था चलते समय राधा ने कहा था श्याम जा रहे लेकिन याद रखना लौट करके जरूर आना अगर तुम न आए तो हम तुम्हारे वियोग में दीवाने पागल हो जाएंगे मर भी सकते हैं उद्धव मैं क्या करूं मैं कितना बड़ा पापी हूं अभागा हूं लेकिन मैं जा नहीं सकता अब जाके के यशोदा नंद को बताना गोपियों को बताना राधा रानी किशोरी से कहना कन्हैया सानंद नहीं है जैसे तुम कन्हैया के वियोग में तड़पते हो रोते हो ऐसे कन्हैया भी तुम्हारी याद करके बहुत रोता है जाओ मेरा संदेश ले जाओ संदेश लेकर के उद्धव आज मथुरा से श्री धाम वृंदावन को जाने लगे वृंदावन में सुखरामा सकील मदन बलबीर छदानी बड़े बड़े सुंदर ग्वाल जो सखा थे सुबह सूर्य निकलने से पहले रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं शाम को जब दिन छिप जाता है सूर्य अस्त हो जाता है लौट करके जाते हैं रोते हुए मैया यशोदा से कहते हैं माँ तेरा कन्हैया आ जाता है संपूर्ण ब्रजवासी रोते रोते अपने समय को गुजारते हैं आज एक काला काला रथ आ रहा है सभी वालों ने सोचा आज लगता है हमारे प्राण आधार आ रहे हैं गोपाल आ रहे हैं कन्हैया आ रहे हैं सभी जंजीर के खड़े हो गए जो रथ बराबर में आया जो पर्दा हटा करके देखा उसमें श्याम सलोना नहीं कन्हैया का मित्र उद्धव निकला आप कौन हैं कहां से आए हैं हमारे कन्हैया को आप जानते हैं उद्धव ने कहा मैं मथुरा से कृष्ण का मित्र संदेश लेकर के आया हूं श्याम ने मुझे भेजा है अच्छा
कहाँ जाना है? हाथ जोड़ करके उधमने का मुझे मैया यशोदा के महलों की रास्ता बता दो। देखिए छोटे छोटे बाल बालों ने कितना सुंदर रास्ता बताया है। उधम मैया यशोदा के महलों में जाने की रास्ता पूछने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप जो सामने दरिया देख रहे हैं, जो ये दरिया बहते जा रहा है, ये कोई साधारण दरिया नहीं है। ये लोला गौओं के आंखों से निकला हुआ वो पानी है जो शाम की याद में हर समय रोती रहती है। मैया यशोदा की आंखों से बहकर के ये जल की धारा दरिया बन चुका है। ये सीधा आपको मैया यशोदा के महलों में ले जाएगा। धन्य तो उद्धव तभी हो गया था जब श्री धाम वृंदावन में उसने कदम रखा। दरिया के किनारे किनारे जो उद्धव मैया यशोदा के आंगन में पहुंचा है तो जाकर के देखा मैया यशोदा खम्मे से अपनी पीठ को लगाकर बैठी और फूट फूट करके रो रही है। आंखों से आंसुओं के पलारे बह रहे हैं। उद्धव ने जाकर के प्रणाम चलने स्पर्श किए। मैं मथुरा से उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ माँ। जो आज उद्धव ने जाकर के देखा मैया यशोदा कभी तो हंसने लग जाती है, फिर रोने लग जाती है, फिर हंसने लग जाती है, फिर रोने। ये पागलों की दशा ऐसी होती है। कुछ किसी के प्यार में पागल हो जाना भी एक भक्ति होती है। मैया यशोदा कन्हैया के प्यार में पागल हो चुकी थी। एक मिनट में हंसना, तुरंत एक मिनट के बाद रो जाना, ये पागलों की पहचान होती है। माँ मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ कन्हैया का संदेश लेकर के। अच्छा कन्हैया से मिलने नहीं दूंगी, अभी सोया है, बड़ी मुश्किल से सुलाया माखन मिश्री खा करके। बता सकती हो कहाँ है? नहीं बताऊंगी, अभी सोया है, उसको जगाना मत। थोड़ी देर के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया। गौ खरक में जाकर के उद्धव ने देखा 9 लाख गायें रोती हैं, आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। एक पवित्र दरिया वृंदावन धाम से बाहर निकल करके जा रहा है, जो संपूर्ण गौ बछड़ों के आंखों से निकला हुआ पानी मैया यशोदा की आंखों का पानी था। उद्धव ने माता यशोदा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे माँ, मैं तो ये समझता था कि कन्हैया को हम ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप धन्य हैं, आपकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। हमको ये भक्ति गोविंद कभी नहीं दे सकता। आप बड़ी पुण्यात्मा हैं, बड़ी भाग्यवान हैं। उद्धव जब बगीचों में जाकर के पहुंचे हैं तो जाकर देखा है राधा रानी को घेर करके संपूर्ण ग्वालिनी बैठी हैं, गोपिकाएं बैठी हैं, बीच में राधा रानी एक वृक्ष से पीठ को लगा करके आंख बंद करके रो रही हैं। एक शकी ने कहा, बहन आज श्याम मेरे सपने में आए थे, मेरी मटुकिया को फोड़ करके चले गए। दूसरी ने कहा, बहन कन्हैया मेरे सपने में आया था, मेरी चुनर को लेकर के चला गया। अपने अपने सपने की कहानी सभी सुना रही हैं। राधा रानी ने कहा, बहन तुम बड़ी पुण्यात्मा हो, बड़ी भाग्यवान हो, जो आपके सपने में कन्हैया आता है। मैं तो इतनी बड़ी अभाग्य हूँ, कन्हैया मेरे तो सपने में भी नहीं आता। आज गोपिकाओं के ब्रह को छुप करके सुन रहे थे उद्धव। बहुत समय हो गया गोपिकाओं की ब्रह को सुनते सुनते।
केवल दो दिन की कहकर के उद्धव मथुरा से वृंदावन को आया था। उसने कहा कन्हैया चला तो जाऊंगा, लेकिन आज जा रहा हूं, परसों लौट करके आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा जाओ, ये तो आना नाना प्रभु के हाथ में है। जो उद्धव आया गोपिकाओं के प्रह को जब उसने सुना, उनके प्यार को जब देखा, गोपिकाओं के भाव को जब उद्धव ने देखा, हाथ जोड़ करके किशोरी राधा रानी के चरणों में लेट गया। धन्य हो राधे, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम है, आप तो पूजने योग्य हैं। आप कैसे रहती हैं श्याम की बिगा? आप बिना श्याम के कैसे जीते हैं? अगर श्याम मुझे ऐसे छोड़ के चला जाए तो मैं श्याम के बगैर एक पल नहीं जी सकता। आज गोपिकाओं ने कहा हे उद्धव, आप ये सोचते होंगे कि कन्हैया हमें छोड़ के चला गया, हम उसके प्रेम में रोती हैं। अरे वो तो काला है, और काला होता है भवरा, जो डाली का जो फल का रस चूस करके उड़ जाता है। अरे वो तो कपटी होता है, वही कपटी श्याम था, उसने हमको प्यार किया, दिल दिया हमने उसे, हमारे दिल को चुरा करके ले गया, हमारे चित्त के चैन को चुरा करके ले गया, हम उसके लिए नहीं रोती हैं। अगर श्याम से मिलने की तड़फन हमारे अंदर होती, बताओ वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है। तीन बार हम वृंदावन से मथुरा जाकर के कन्हैया से मिलकर आ सकती हैं, उसके दर्शन कर सकती हैं, लेकिन हे उद्धव, मेरा गोपाल जिस क्षेत्र में रहे, जिस दशा में रहे, अगर उसे हमसे दूर रहने में खुशी मिलती हो तो हम एक जन्म तो क्या हजारों जन्मों तक उससे दूर रहना पसंद कर लेंगी, लेकिन हमारे पास रहने से यदि मेरे गोपाल को कष्ट होता है तो हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। आज आंखों में आंसू भर के किशोरी राधा रानी बोली, हरि उधा और उधा जाए के वो कहियो श्याम से कि राधा हो गई बावरिया, और वो तो दीवारों से पूछे कब आमे सामरिया, वो तो दीवारों से पूछे कब आमे सामरिया, वो तो दीवारों से पूछे कब आए सामरिया। दर्शन को अखियां प्यार
दीवा बुद्ध दीवा बुद्ध दीवा रोते पूछे कब हम सांभरिया बुद्ध दीवारों से पूछे कब आए सांभरिया बुद्ध दीवारों से पूछे कब हम सांभरिया बुद्ध दीवारों से पूछे कब आए सांभरिया जिस दिन भुला है तेरा नाम दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी का जिस दिन भुला दो मैं जिस दिन भुला दूँ शाम तेरा नाम दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी का दीवारों से पूछे कब आए
से प्रेम करना चाहते हो तो प्रेम ऐसा करो जिसके ब्रह में तुम पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ। कन्हैया के प्यार के दीवाने ब्रजवाला ब्रज गोपिकाएं मार्ग में जाते ही रास्ते में लिखते ही हे श्याम कब आओगे बता तो दो। एक दूसरे से पूछते हैं कोई संदेश श्याम का आया, कब आ रहा है हमारा मुरली मनोहर। कन्हैया के प्यार में पागल हो चुके हैं ब्रजवासी। आज राधा ने उद्धव से कहा है, उद्धव हम रोती हैं, हमारे रोने का कारण ये नहीं है कि कन्हैया हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है। हमारे रोने का एक कारण और है उद्धव, आज राधा रानी कहती है हे उद्धव हम कन्हैया के प्यार में रोती हैं, हम इसलिए नहीं रोती हैं कि कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया। अरे जीवन एक तो क्या, हजारों जन्मों तक वो हमसे दूर रहे कोई चिंता नहीं। हमें बिल्कुल परवाह नहीं है कन्हैया के दूर जाने की, लेकिन परवाह है तो केवल एक परवाह है उद्धव। जिस दिन कन्हैया गया था श्रीधाम वृंदावन से हमें छोड़ करके, उसने हमको एक वचन दिया था, राधे मैं आज जा रहा हूं, मैं परसों लौट करके जरूर आ जाऊंगा। अरे उसको नहीं आना था परसों तो परसों की कह करके क्यों गया। दुख है तो केवल इस बात का उद्धव, मेरे मोहन मथुरा चले गए, तड़प रही राधा अकेले जीवन जी सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन चिंता है तो केवल एक, जब लौट कर परसों तक नहीं आना था तो पापी हमसे परसों को कहकर के क्यों चला गया। आज आंखों से आंसू के पनाह बह रहे हैं राधा के, श्याम मेरे मोहन मथुरा चले गए, तड़प रही है राधा।
हम परिश्रम की कहीं गए परिश्रम गए परिश्रम परिश्रम बीत गए परिश्रम बीत गए अगर नहीं आना था परसों तक तो परसों की कह करके क्यों गया हारे भागे हमारे दिल को चुरा करके ले गया हमारे चित्त के चैन को चुरा करके ले गया परसों की कह के गया परसों हो गई आज तक लौट कर परसों की कहीं की गए परसों गए परसों बीत गए परसों बीत गए राजा परीक्षित आज जो उधम ने किशोरी राधा रानी का प्रेम देखा कन्हैया के प्रति दीवाना हो गया पागल हो गया चरणों में लेट गया साष्टांग प्रणाम किया देवियों में तुम्हें प्रणाम करता हूँ वास्तव में ही आप परमात्मा गोविंद के प्रिय भक्त हैं भगवान सुखदेव स्वामी कहते ही उद्धव आए थे केवल दो दिन की कह करके आज 7 महीने उद्धव को वृंदावन में हो गए थोड़े बेस बढ़ा दो आवाज बढ़ा दो भैया आवाज बढ़ाओ
ज्ञान सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई उद्धव ने, पता ही नहीं चला 7 महीने कब निकल गए। 7 महीने के बाद होश में आया, सभी गोपिकाओं को साष्टांग प्रणाम किया, बोले देवी अब मैं चलता हूँ, आज वृंदावन से विदा होकर के। उद्धव सूद्यो है चलियो, सुनी गोपीन के बोल, और ज्ञान बजाई डुम डुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की केवल डुमडुमी बजती रह गई और प्रेम ने तो ढोल बजा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल ये। प्रेम के दीवाने हैं मेरे प्रभु, भाव से मिलते ही, प्रेम से मिलते ही अज्ञानी, कितना भी अज्ञानी इंसान हो यदि भाव है, भावता है मेरा गोविंद, उसका गुलाम बन जाता है। इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी कन्हैया की शादी वगैरह के बारे में कुछ। बोले हाँ, जब राजा कंस की मृत्यु के बारे में जरासंध ने सुना तो 17 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चलाई कर दी। मेरे दामाद को मार दिया है कृष्ण ने, बचना नहीं चाहिए, चारों तरफ से मथुरा को घेर लो। कृष्ण बलराम दोनों ने मिलकर के जरासंध को परास्त कर दिया, एक बार नहीं 17 बार, बार बार जरासंध को जीवित छोड़ देते। क्यों? जरासंध जीवित रहेगा, इसके सहारे सभी राक्षस के साथ लड़ने को आएंगे, पहले हमें घर की सफाई करने के लिए पहले जरा मारना मारना बहुत जरूरी होता है। जैसे कमरे के कोने में जरा मकड़ा नहीं लगे रहते, पहले उसकी सफाई करो, तब नीचे से झाड़ो, तभी तो सफाई होगी। कन्हैया ने कहा जितने भी राक्षस हैं जरासंध मारा गया तो वो सब छुप जाएंगे, सब बच करके भाग जाएंगे, पहले उनका सफाया करो। 17 बार जरासंध को हरा करके भगा दिया। इधर 18वीं बार ब्राह्मणों से जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब की बार तुम मेरे महलों में अनुष्ठान रचाओ और मुझे ये आशीर्वाद दो, मैं कृष्ण से विजय प्राप्त करके ही लौटूं। अगर अब की बार मेरी हार हो गई ना तो मैं गौ ब्राह्मण को अपने हाथों से कत्ल करने लग जाऊंगा। ब्राह्मण डर के मारे थर 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 कांपने लगे, बोले जाना जन, अब की बार तेरी विजय होगी। गौ ब्राह्मण की हमेशा रक्षा की मेरे गोपाल ने। कन्हैया ने देखा अब की बार ये ब्राह्मणों को पाठ पर बैठा करके आया है। युद्ध हो रहा था, बड़ा घमासान युद्ध चला हुआ था। कन्हैया ने सोचा अगर अब की बार हमने इसको हरा दिया तो ये गौ ब्राह्मण के ऊपर अपराध करने लग जाएगा, गौ ब्राह्मणों को सताने लग जाएगा। देखते देखते मेरे गोपाल रण छोड़ करके भाग गए, एक पहाड़ पर चढ़ गए ऊपर, पहाड़ से समुद्र में छलांग लगा दी, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रात ही रात में समुद्र में एक द्वारिकापुरी बनाई। अब आप एक बात और बताएं, द्वारिकापुरी का नाम द्वारिका रखा किसने था? डोरी उर्फ दीपक ने। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मेरे गोविंद ने संपूर्ण यदुवंशियों को मथुरा से रात ही रात में योग माया के द्वारा बुला करके जो द्वारका बनाई थी समुद्र में उसमें वास करा दिया। अब सुबह सुबह देखो, किसी किसी गांव में ज्यादा जल्दी जगने की आदत होती है। हाँ, किसी किसी गांव में ज्यादा जल्दी जगने की आदत होती है, किसी गांव में ज्यादा अबेरी जगने की आदत होती है। जैसे कि आपके गांव में हिंदीपुर में जब तक सूर्य अटारी पे ना आ जाए तब तक कोई जगवे को नाम नहीं ले। हाँ, अगर काऊ को कोई जगावे अभी तो सोया, ऐसा लगता है अभी सोया।
किसी गांव में जल्दी जगने की आदत होती है। मथुरा के निवासी बहुत जल्दी जगते थे, अंधेरे में ही जग गए, आंख खुली 4 बजे इधर उधर घूम रहे हैं, द्वार कहाँ द्वार कहाँ। अब द्वार किसी ने देखा था दरवाजा तो कोई बताए, आपस में द्वार कहाँ द्वार कहाँ, ऐसे ढूंढते ढूंढते ही उसका नाम पड़ गया द्वारिका। मेरे गोपाल शानंद द्वारिका के राजा बन गए। अब देखो आज इस कथा का अंतिम दिवस हमारी तरफ से मंडप में 7वां रोज आप लोगों ने अपने पुत्र के तुल्य बड़ा हमको सुंदर प्यार दिया, पता ही नहीं चला 7 दिन हो गए 8 दिन हो गए या हमको 8 महीने हो गए। ऐसा लगता है कि अभी कल तो आए थे हम, ऐसा लगता है बड़ा प्यार मिला आप लोगों का। हाँ आप लोगों का बड़ा दुलार मिल रहा है। आज इस मंडप में अंतिम दिवस है भागवत कथा का। आपके इस मेहंदीपुर गांव में देवेंद्र सारस्वत जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान जो रचाया है, आप सभी भगवत चरण अनुरागी प्रेमियों के सहयोग से, जिसमें हमारे रिकॉर्डिंग करता राकेश चौधरी मुसमुना वाले जो कि आरकेशी नाम से चैनल चला हुआ है इनका, आरकेशी म्यूजिक बोल लो स्टूडियो बोल दो, क्या हो गया एक ही बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जो ये कथा चल रही है आपकी, आरकेशी म्यूजिक को सब्सक्राइब करना चाहिए जितना बड़े करो, और इस पर हमारी ये कथा आएगी 4-5 तारीख को फुल निकल के आ जाएगी तुम्हारे गांव की चली हुई कथा। और आपको जो भी जरूरत हो कभी कैमरे की तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और 7वां रोज है हमें इस कथा को कहते कहते आपके इस पवित्र गांव मेहंदीपुर में, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है हमें, आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमको प्यार देते रहेंगे दुलार देते रहेंगे। और हम इस मंच से आज आपसे एक वादा करके जाते हैं, आप जब भी हमको याद करेंगे हम तुम्हारी जरूर सेवा करने आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान। अरे कनुआ करनी हा 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 यह ब्रजभूमि, अरे कनुआ करनी जी जी घेरी लई पन Yeah.
जय यशोदा के प्यारे नी जय यशोदा के प्यारे नी की जी मेरी गई बना बचप जगलाले नी जी जी मेरी गई हाय वो तिलक सहारे की मोहन प्यारे पहन उधर का थोड़ा प्रसंग सुनिए। अब इधर में क्या होता है, कंचनपुर नाम के नगर में एक भीष्मक नाम के महाराज रहते हैं, जिनके पांच पुत्र हैं, रुकुमी रुकुम रुकुम बाहू रुकुम केशी और रुकुम माली। पांच पुत्र हैं लेकिन पुत्री नहीं है, और जिस घर में पुत्री नहीं है वो घर पवित्र नहीं हो सकता। जिस घर में कन्या का जन्म नहीं होता वो आंगन कभी पवित्र नहीं रहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बिना कन्या के आंगन पवित्र नहीं होता है। आंगन में कन्या का जन्म होना बहुत जरूरी है। राजा भीष्मक इसी चिंता को लेकर के अपनी महारानी को साथ में लेकर समुद्र के किनारे जाकर भगवान का भजन करने लगे। एक दिन शाम के समय भगवान का भजन करके लौट रहे थे। एक कपड़ों में लिपटी हुई कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर कन्या मिल गई। उसको उन्होंने अपनी प्रभु प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लिया। अपनी पुत्री के रूप में उसको उठाकर महलों में ले गए। यही आगे चल करके माता रुक्मणी बनी। कमल के फूल से पैदा है मैया रुक्मणी। कमल के फूल से, जो कमल के फूल से पैदा है बताओ वो कितना सुंदर होगा। सुंदर तो हो गई हो, इतना सुंदर रूप है मेरी माँ रुक्मणी का जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर सी सुरतिया प्यारी है मेरी मैया रुक्मणी की, इतना सुंदर रूप है तुम्हें क्या बताएं। सुंदर सी सुरतिया प्यारी है,
जो मन को मोह ले जाती है, जाती है जो मन को मोह ले जाती है, जाती है जो मन को मोह ले जाती है। मेरी मन कुमली का रूप बता रहे हैं, एक बार जो कन्या के रूप को देखता है चकित रह जाता है, चकोर बन के देखता रह जाता है। सुंदर सी सुरतिया प्यारी है जो मन को मोह ले जाती है, अम्बल से देवलोक देखी, अम्बल से देवलोक देखी उनको रूप है मेरी माँ का। देखते देखते चंद दिनों में शयानी हो गई और जब आंगन में चलती है तो मैया का कलेजा हिलने लगा। जब ठुमुक करो चलती है मैया का कलेजा हिलता है, मेरी माँ रुकमणी जब आंगन में घूमती है ना, उसकी मैया सोचने लगी मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई, अब तो इसकी शादी करनी चाहिए। जब ठुमुक करो चलती है मैया का कलेजा हिलता है, मेरी बेटी के खातिर ना, मेरी बेटी के खातिर ना पर कोई दुनिया में मिलता है, मेरी बेटी के खातिर ना पर कोई दुनिया में मिलता है, मेरी बेटी के खातिर ना पर कोई दुनिया में मिलता है। में कौन ऐसा होगा जो मेरी बेटी के साथ में शादी करेगा। पति देव के पास में गई, जाकर के पति देव से कहा, हे पति देव, घर में जब कवान जवान कन्या घूमती है ना तो माता पिता दोषी होते हैं, घर में जवान कन्या यदि रहती है कुंवारी तो माता पिता दोषी होते हैं। अरे तुम्हें हमें दोष लग रहा है, बेटी की शादी करो ना। राजा ने अपने परिवार की मीटिंग लगाई, बेटी के लिए कहाँ पर ढूंढना चाहिए, रुकमणी का विवाह कहाँ करना चाहिए। ऐसी बात बोली रहे थे भीष्मक, रुक्मी खड़ा हो गया बड़ा पुत्र, बबूला की पाली को सुनकर, अरे तुमने वचन सुनाया है, पिताजी की बात को सुना, खड़ा होकर के कहने लगा, है पिताजी चिंता मत करो, मैंने देख रखा अपनी बहन के लिए सुंदर वर, बबूला की बाली को सुनकर, तब तुमने वचन सुनाया है, वो चंदेरी का शिशुपाल, वो चंदेरी का शिशुपाल मेरे मन में अति भाया है, चंदेरी का शिशुपाल मेरे मन को भाया है, चंदेरी का शिशुपाल मेरे मन में भाया है। बोलिए गोविंद भगवान। आज भीष्मक महाराज का विवाह कहाँ करना चाहिए, बड़ा पुत्र रुकम खड़ा होकर कहने लगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा साला शिशुपाल है, बड़ा सुंदर है,
बहुत बहुत दूर तक उसका राज्य है। अब बताओ ये रिश्ता हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता? खूब हो सकता जब करोगे तो, क्यों भैया? लेकिन ये नियम नहीं है, तरीका नहीं है। अपने भैया के साले के साथ में कोई कन्या शादी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। लेकिन रुकुम कहता है कि मेरा साला है शिशुपाल जो चंदेरी का राजा है, वो बड़ा बलवान है, उसका बहुत बहुत क्षेत्रों में राज है, और मैं चाहता हूँ पिताजी मेरी बहन रुकुमणी की शादी आप शिशुपाल से कर दो। और जो शिशुपाल का नाम सुना जो शिशुपाल का नाम सुना भीष्मक कहने लगे बेटे आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? बोले मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कहता हूं। बेटा वो तुम्हारा साला है, जब तुम अपनी बहन की शादी उसको कर दोगे तो तुम उसके साले बन जाओगे। शिशुपाल ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे वो हमारा साला हम उसके साले, वो हमारा जीजा हम उसके जीजा, क्या हो गया? बोले नहीं बेटा ये वेद के विरुद्ध है, हम नहीं कर सकते। इधर मैया रुकमणी ने जो सुना है कि मेरा बड़ा भाई रुकम अपने साले शिशुपाल के लिए मेरी शादी करना चाहता है, पापी ने लगुन टीका भेज दिया, नहीं ब्राह्मण को बुला कर जाओ शिशुपाल से कहना तुम्हारे बहनों ही सामने अपनी बहन की शादी करने के लिए निश्चित कर लिया है, तारीख बता दी, उस दिन बारात लेकर के आ जा, मेरी बहन के साथ शादी करके ले जा। स्वयंवर रचा दिया माता रुकमणी का। धीरे 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 वो समय आने लगा। आज मेरी माँ रुकमणी ने जब देखा केवल एक दिन बीच में है, परसों मेरा स्वयंवर है, पापी शिशुपाल आएगा मेरे साथ जबरदस्ती शादी करके मुझे ले जाएगा, लेकिन मैं उसके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हूं, वो मेरे मन को भाता नहीं है, वो पापी या राक्षस है। अब क्या करना चाहिए जिससे हमारी लाज बचे? आज मैया रुकमणी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, रोते रोते माता रुकमणी को नींद आ जाती है मेरे भगवत प्रेमियों। और जो नींद आई मैया को, जब घोर नींद आ जाती है ना तो घोर नींद में जीव सपना देखने लग जाता है। सपनों देखो बड़ी जोर को यार मेरी पिया, सपना आया सपनों देखो बड़ी जोर को यारे मेरी माता, जाके सपने में आए गए धन श्याम रुकमणी ने सपना देखा है, सपने में घनश्याम आ गए और झकझोर के बोले हैं देवी सो रही हो? अरे मैं तो 1600-1700 कोस से दूर से चल करके तुम्हारे पास आ गया। सपने की बात जो रुकमणी ने देखा है, श्याम आए हैं आकर के मुझे झकझोर के जगा रहे हैं, अखियां खोल दे खन लगी अरे मेरी मैया, नीनी बहन बीच समाई आज कन्हैया ने रुकमणी को बाहों में भर लिया है, तारी
तुम सो रही हो, मैं तुम्हारी खातिर इतनी दूर से चल करके आया। आज रुकमणी माता ने भी कन्हैया को अंक में भर लिया है ना, तो बड़े दिनों के बाद आई हो। ऐसा करो तुम मुझे अभी ले चलो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मेरा भाई बड़ा पापी है, अन्यायी है, सचपाल अपने साले के साथ मेरी शादी कर देना चाहता है। हे कंचो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को वर्ण नहीं करूंगी। मुझे क्या की घन श्यामा ने यारे मेरी प्यारी, कन्हैया बोले घबराओ मत। मुझे क्या कही घन श्यामा ने यारे मेरी बनिया, तू मत मन में घबराओ जी। जानता हूं शिशुपाल पापी है, परसों तुम्हारा स्वयंवर है, लेकिन हे प्यारी, तेरे पिताजी का कोई संदेश नहीं पहुंचा है द्वारिका में, तेरे भाई ने कोई संदेश नहीं पहुंचाया है द्वारिका में। बिना निमंत्रण के हम आ नहीं सकते। चिट्ठिया तो लिख के अपने हाथ से यारे मेरी रानिया, समझाया है गोपाल ने सपने में रुक्मणी को। एक तरीका मैं बताता हूँ, नियम मैं बताता हूँ, करते तू चल लिया। जो मैं कहूँ ऐसे तू करना, तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। समझा रहे अपनी प्रेमिका को। चिट्ठिया तो लिखी अपने हाथ से यारे मेरी प्यारी, यो द्वारिका में पहुंचाएगी। गुरु गोविंद भगवान की जय। कहा प्रभु अगर बताओ कोई कौआ हंसनी को ले जाए तो अच्छा लगेगा। बोले नहीं हे नाथ, मुझे शिशुपाल परसों स्वयंवर है, मेरे भाई का साला शिशुपाल आएगा मेरे साथ शादी करके चला जाएगा, लेकिन मैं बिना तुम्हारे। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, लेकिन देख भाई तुझे हमको पाने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? बोले चिट्ठी लिख करके द्वारिका को भिजवा दो किसी के हाथ। बोली अब जेई तो फजी तो है, एक दिन स्वयंवर का बचा है, 750 कोस द्वार का है, कौन चिट्ठी लेकर के जाए। ये सोच रही थी मैया, वही समय पे एक ब्राह्मण देवता आ गया, लाख निरंजन। अरे हम ब्राह्मण, हमको कुछ दो। हाय हाय, मैया ने चिट्ठी लिखी बड़ी जल्दी जल्दी, पढ़ी लिखी थी ना। एक बात और बताएं, आप लोग ये जानते होंगे इस युग में शिक्षितता ज्यादा है नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में जितनी पढ़ी लिखी माता बहन होती ना, आज उसका तो 10% भी नहीं है। बहुत शिक्षित थी पहले, आप सभी जानते हैं। मैया रुक्मिणी ने वसुदेव से कभी घूंघट किया? हमने भागवत पूरी पढ़ी है, लेकिन एक भी शब्द नहीं आया है कि रुक्मिणी ने वसुदेव से घूंघट किया। ये जो सामने पुस्तक रखी है ना, 18,000 श्लोक है इसके अंदर, 18,000 श्लोकों का पूरा विवरण है इसके अंदर। गुरु कृपा से हमने एक बार इसको पढ़ लिया है सारी पुस्तक को, लेकिन एक भी जगह यह नहीं लिखा आया है रुक्मिणी ने वसुदेव से घूंघट किया हो। मैया जानकी ने कभी अपने ससुर दशरथ से घूंघट किया हो, किसी वेद में लिखा नहीं मिलेगा। घूंघट कहते किसको है, किसको घूंघट कहा जाता है?
अब घूंघट तो मान लिया तुमने डेढ़ हाथ का और घूंघट में से गाली दे रही आज आप बजमारे तेरी टांग में डंडा मारूंगी तो ये कोई घूंघट थोड़ी है, है? ये घूंघट नहीं, घूंघट होता है आंखों का संकोच। ससुर जी आ जाएं, जेठ जी आ जाएं, थोड़ा नैन नीचे को झुका लो, हो गया घूंघट। हाँ देखो एक नीति की बात बताएंगे, सभी माताएं बहनें अपने जेठ से घूंघट करती हैं, जेठ से, जबकि जेठ से तो घूंघट करना ही नहीं चाहिए। हाँ जेठ घूंघट के काबिल नहीं होता है। अरे जेठ तो पिता तुल्य होता है, पिताजी के समान होता है, और पिता से बेटी का क्या घूंघट, क्या पर्दा। पर्दा करना है तो देवर से करो, देवर के लिए पर्दा बताया जाता है, क्यों को उसका हक पति से ज्यादा होता है, देवर के लिए बताया है पर्दा। लेकिन क्षमा करना महाराज, अरे जेठ तो अपना पिता हो गया, पिता से क्या घूंघट करना, क्या पर्दा करना। शर्म करनी है तो देवर से करो, क्योंकि वो हमारा छोटा अनुज है, वो अगर हमसे कुछ कह भी जाए सहन करो, बोलो मत, उससे शर्म करनी चाहिए देवर से। और एक बात बताएं आप लोगों को, हमारे यहाँ पहले ऐसी परंपरा थी, भारत में कोई माता बहन घूंघट नहीं करती थी कोई भी। अब ये घूंघट की परंपरा चली कब से है, ये घूंघट की परंपरा कब से चली है पता है तुम्हें? घूंघट की परंपरा चली है जिस वक्त मेरे इस पवित्र भारत में पापी अंग्रेजों ने आकर के कब्जा जमा लिया, और ये इज्जत के भूखे भेड़िए जो भी मेरी माता बहन को सुंदर देखते थे उन पर ये गलत दृष्टि डालते थे। अपने आप को इन भूखे भेड़ियों से बचाने के लिए मेरी भारत की माता और बहनों ने पर्दा करना शुरू कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पर्दा आंखों का संकोच होता है। आज मैया रुक्मणी पढ़ी लिखी है, दो मिनट लगाई एकदम से चिट्ठी लिखने लगी। सबसे पहले लिखा है अत्र कुशलम तत्रास्तु। वैसे तो यहाँ पर सभी ठीक है, हे केशव परम आदरणीय द्वारिकाधीश कृष्ण को मेरा निमंत्रण स्वीकार हो। आगे लिखा है निवेदन करती हूँ मैं भीष्मक महाराज की इकलौती बेटी रुक्मणी, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, केवल सुना है आपकी प्रशंसा को कानों से। मेरे पिताजी के यहाँ परसों स्वयंवर है जिसमें मेरा विवाह होने वाला है। पापी शिष्यपाल सेना को लेकर 15 दिन पहले ही आ चुका है, मैं उसके साथ विवाह करना नहीं चाहती हूँ। आप कैसे भी करके यहाँ आ जाओ और मेरे साथ शादी करके मुझे ले जाओ। आप ये कहोगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मुझे नहीं जानती, मैं कैसे आऊं। लिख दिया। देखो एक बात तो बताएं, आय हाय बुद्धि को माया घुमा देती है, माया बुद्धि को घुमा देती है, कितना भी जितेंद्रिय क्यों ना हो। मैया रुक्मणी को जैसे कन्हैया ने उपाय बताया था, ऐसी मैया रुक्मणी ने भी कन्हैया को उपाय बता दिया चिट्ठी में लिख करके। मेरे बबला के राज्य में एक बड़ी सुंदर बगिया है, उस बगिया में माता भगवती का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, मैं उस मंदिर में स्वयंवर के समय पूजा करने को आऊंगी अपनी सहेलियों के साथ में। तुम रथ को लेकर के वहीं आ जाना और मैं तुम्हारे संग रथ में बैठ के एक दो तीन वहीं से वहीं है जाओ कम जो हो। बोले सच्चिदानंद भगवान। आज माता ने जब ये सब कुछ लिख दिया और फिर लिखा कि आप कहोगे महाराज हमको वहां बुला रही हो, तुम ही आ जाओ ना। मैया रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके लिखा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी
बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सवरिया तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी और बताया माने हो पावो धरो तो पायल मेरी नीरे पायल मेरी नीरे भगवान श्री शुकदेव सुखी कहते हैं इस तरह से चिट्ठी लिख करके आज मैया एक थाल कंचनों से भर करके लाई कंचनों में अंदर छुपा दिया चिट्ठी को पत्रिका को ला करके ब्राह्मण देव के हाथ में बोले गुरु जी आप ब्राह्मण हैं बोले हाँ बेटी
लो जितनी चीज और चाहिए तो और मिला करके दे देंगे। मेरे पिताजी के यहाँ कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन याद रखना इन कंचनों के अंदर एक पत्रिका रखी हुई है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। किस बात की बेटी? बाबा एक चिट्ठी ऐसी में थोड़ा पढ़। बेटी हम पढ़ना नहीं जानते, कमजोर है पढ़ने में, और साइंस साइड तो बिल्कुल ही ना जाने, सीधी सीधी हिंदी आर साइड। सुना तो बेटी क्या लिखा है? और आजकल तो इंग्लिश टू इंग्लिश बात ज्यादा चलती है ना। ओ माय गॉड, अब खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अब समय बहुत कम है। आज इस कथा का अंतिम दिवस है आपके मंडप में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज लेट से टह जाओ तो नाराज तो ना होगे? हैं है? मत बांध के आए, यही मर 3 बजे आई हो। ठीक है, तो आज हमारा तुम्हारा वादा रहा तुम पहले उठते हो कि हम पहले हैं, हो जाए बाजी। भगवान श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन माता ने चिट्ठी लिख करके पढ़ करके बताई कि ब्राह्मण देव ये चिट्ठी आपको द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के पास पहुंचानी है। बोले बेटी नहीं नहीं नहीं, ओहो 750 कोस दूर द्वारिका, पैदल का रास्ता, अरे मैं तो मर जाऊं, मेरी चिता को जला दिया जाए, राख भी उड़कर नहीं पहुंच सकती इतनी दूर। बोले ब्राह्मण देव कैसे भी करो, अरे ब्राह्मणों आपने तो हमेशा ना हमारी रक्षा की है, हम तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, आप सभी जान रहे होंगे, हैं? प्रेमी ऐसा होना चाहिए, जब प्रेम का याद करे तो आए, उसे ही तो प्रेमी कहते हैं। ये थोड़ी झूठे के आंसू लगा कर रोजा हम तुमसे बहुत प्यार करें और धोखे देके भाग जाए, काय बात को प्रेमी भागो। भगवान कन्हैया रुक्मणी के प्रेमी हैं, रुक्मणी के प्रेमी बनकर के ब्राह्मण बन के आ गए, चिंता मत करे आऊंगा। अब वृद्ध शरीर थोड़ा माया दिखा रहे हैं अपनी, बड़ा बुरा शरीर है ब्राह्मण का, चिट्ठी लेकर के चल दिए। अब 4-6 कोस चले होंगे गाँव से बाहर, दोपहर जेठ का महीना, आज भी जेठ का महीना है, हाँ जेठ का महीना, थोड़े चले 4-6 किलोमीटर। अब किलोमीटर चले के पहले मील थे, मील 4-6 मील चले होंगे। दोपहर बड़ी चटकी, ऊपर से सूर्य देवता की गर्मी, नीचे पृथ्वी की तपन, गर्मी से पसीना पसीना हो रहे थे ब्राह्मण। एक बड़ी सुंदर बगिया दिखाई दी ब्राह्मण को, सोचने लगे जो होगी से सब देखी जाएगी। और अब तो अरे दोपहर बिलमाए लो, हाँ अब होगी से देखी जाएगी। अब रुक्मणी को ब्याह जाके संग हो बाकी है, जाओ भाई हमारे तो बस की नाम काले भागी, 750 कोस चल लो हम हारू गए और बड़े बूढ़े है गए। और तुम्हारी शरण देख भाई बताए, जब हार जाता ना इंसान को नींद भी नहीं आती है, आती तो नहीं, नहीं ज्यादा हारने पर नींद नहीं आती है। कभी कभी किसी किसी दिन हमको भी हो जाता है दर्द वगैरह, तो नींद नहीं आती है। तो ब्राह्मण बड़े बूढ़े बुढ़े समझा के काले चलेंगे, तो इससे पहले एक थोड़ा सा काम कर ले अपना। अरे दोपहर भी लमाई लो जाई बघिया में, दोपहर भी लमाई लो जाई बघिया में, दोपहर भी लमाई लो। आज ब्राह्मण ने सोचा दोपहर इसी में काटेंगे, जी जी दोपहरी बिल मारे जाई बघिया में, दोपहरी बिल मारे जाई बघिया में, दोपहरी बिल मारे जाई बघिया में, दोपहरी बिल मारे जाई बघिया में। हरि बोल
ब्राह्मण ने क्या किया है। आसन मार बैठ गए ब्राह्मण, आसन मार बैठ गए ब्राह्मण, आसन मार करके बैठ गए, आसन मार बैठ गए ब्राह्मण, आसन मार बैठ गए ब्राह्मण, काहे को बैठी है चुपचाप है? कछु हरी गुण गाए, कछु हरी गुण गाए लो, जाई बगिया में ठोकरी लगाए लो, यही बगिया में, यही बगिया में, हाँ यही बगिया में, यही बगिया में, हाँ यही बगिया, कछु ताली बजाए लो, यही बगिया में ठोकरी लगाए लो, यही बगिया में। को बैठ जाते हैं, बहुत समय हो गया था पैदल चलते चलते। बड़ी जोर की भूख लगी है, 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 मुझे लगता है तुमको भी भूख लग रही थी क्या आज है? चिंता मत करो, तुम्हारे पास सौदा है भूख का, तो प्रसाद है ना यहाँ पर, जो लाए हो सो खा ले, जो लाए हो सो खा ले, जय बगिया में मेरी लेवाए लो, बगिया में मेरी लेवाए लो, जय बगिया में तो तेरी बिलमाए 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 लो, यार ई बगिया में सच्चिदानंद कहा। जल्दी से रथ को सजाओ, रथ पे बैठ करके हमको कंचनपुर नगरिया जाना है। और चिट्ठी तो मिली गई, सबरो पतो मिलेगो, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मेरो बाप कितनी एफ आई आर करे, चाहे मेरो भैया कितनी तुम्हारे नाम दर्ज रिपोर्ट करे। अरे प्रेमी तो मौत से भी नहीं डरते हैं, हाँ अब जब सामने से हिंट मिल गई तो काय को पीछे रह जाए कन्हैया। रथ को सजाया, तुरंत कंचनपुर नगरिया के लिए चल दिए। आगे से बलराम आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो गोपाल भाई जी, कहीं ना, बोले नहीं बात तो कुछ है जरूर। मनी मन में कहने लगे कि आप तो महाराज रेवती के संग ब्याह करके, रेवती महाराज की पुत्री, रेवत महाराज की पुत्री रेवती की, जो उनके साथ शादी करके बड़े खुश, तुम्हारे तो घर में बहू आते हैं, हम अब ऐसे ही बच जाएं। बलराम को नहीं बताया, मनी मन में सोच रहे थे कन्हैया, लेकिन दारुक सारथी ने चुपचाप धीरे से बोल दिया था बलराम से, हे शेष अवतार, कंचनपुर नगरिया के लिए जा रहे हैं, वह भीष्म महाराज की पुत्री का स्वयंवर है, आप लोग पीछे से आना, अगर कोई बात बन सकती है, हो सकता है भाई, जब एक बात बताओ बिना किसी की मर्जी के कोई कदम उठाओगे तो लड़ाई झगड़ा तो होने की संभावना बनी रहती है ना, हाँ? बिना मर्जी, माता पिता की मर्जी नहीं है, और कुछ ऐसा वैसा होने लग जाए तो गुस्सा तो सबको आएगी, कुछ हो सकता है। बलराम ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, अच्छा ब्याला के है वो कन्हैया।
इधर में गोपाल अपने रथ को लेकर के कंचनपुर नगरिया जो महाराज भीष्मक की बगिया है उसमें एक माता भगवती का मंदिर आज स्वयंवर होना है। मैया भगवती अपनी सात की सहेलियों को लेकर के माता भगवती के मंदिर में पूजा करने को आई है। और याद रखना 20,000 सैनिकों को लगा दिया है रुक्मी ने अपने महलों से लेकर के माता भगवती के मंदिर तक बिल्कुल रास्ता क्लियर। मेरी बहन रुक्मणी भगवती मैया की पूजा को जा रही है, हाथ में तलवार लिया सभी सैनिक तैयार खड़े हैं क्योंकि डर था रुक्मी को कन्हैया जरूर आएगा क्योंकि वो छलिया है, ऐसा ना हो मेरी बहन को चुरा के ले जाए। डरे आइए तो डर हो ही बोलियो जय श्री कृष्ण। इधर में 20,000 सैनिक लगे हुए हैं। आज मैया ने आरती का थाल सजाया और लेकर के आरती के थाल को अपनी शंख की सहेलियों के मध्य मेरी माता रुक्मणी भगवती मैया के मंदिर में आ गई। अब धीरे धीरे आरती रुक्मिणी मैया करी रही सच्चे मन से की है और अगर तू मुझ पर प्यार करती है दुलार करती है। धीरे से मान अपनों पूरी करी रही चरणों में आरती की पूजा की। और देखो यहाँ हमारी क्वारी बहनों के लिए एक बड़ी सुंदर बात आती है, जो बहन क्वारी अवस्था में हो उनके लिए यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आती है। माता जानकी ने भगवती की पूजा की, माता रुक्मणी ने भगवती